हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है बात करेंगे ट्वेंटी एट ऑफ के एडिटोरियल सेशन की और सेशन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप प्ले स्टोर से यहाँ पर बहुत सारे पेड कोर्सेज कुछ इस तरीके से नज़र आपको आते हैं साथ ही में उनका डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है इन पेड कोर्सेज में एक बहुत ही खास पेड कोर्स उपलब्ध है क्लोज टेस्ट एंड पैराजंबल का यहाँ पर जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको मिलते हैं वो सब के सब न्यूज पेपर से प्रोवाइड आपको करवाए जाते हैं ठीक है तो इसलिए लेवल बहुत अच्छा रहेगा इसका और अगर आप इस लेवल के पैराजंबल एंड क्लोज टेस्ट सॉल्व करना सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनेशन में जो कुछ भी मिलेगा बहुत ही आसान आपको लगेगा तो वीडियो सोल्यूशन है साथ ही में पीडीएफ आपको उपलब्ध होता है इसके अतिरिक्त अगर बात करें ई बुक्स की तो ई बुक्स में तीन प्रकार की ई बुक्स है जिसमें से दो ई बुक्स द हिंदू एडिटोरियल वर्ड्स के लिए हैं जनवरी से लेकर और जुलाई तक के जून तक के वर्ड्स है फिर जुलाई अगस्त अगस्त एंड सितंबर के लिए एक अलग ई बुक उपलब्ध करवाई गई है एक एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए पेपर सेट्स उपलब्ध करवाए गए हैं ई बुक के थ्रू तो ये आप बाई कर सकते हैं इस बैच की अगर बात करें तो ये आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हर वेंसडे को स्टार्ट होता है तो आज के बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन है आप बाई कर सकते हैं इस बैच को अदरवाइज आप फिर नेक्स्ट नेक्स्टे के लिए अप्लाई कर पाएंगे इसमें एक एक साल का भी कोर्स उपलब्ध है वन ईयर का कोर्स भी उपलब्ध है अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक जुड़े रहें तो निश्चित रूप से आपको उस कोर्स के लिए जाना चाहिए तो वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं कॉमन एरर से पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है We have recently began the process of recruiting insurance agents for our northeastern branches. कहना क्या चाहता है कि हमने हाल ही में शुरू किया है इंश्योरेंस एजेंट्स को रिक्रूट करने का प्रोसेस ठीक है और किसके लिए हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांचेस है उसके लिए तो यहाँ पे आप देखें कि हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो बिगिन नहीं आएगा क्या आना चाहिए बिगन हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो बिगन आएगा ठीक है दूसरा कह रहा है कि इन स्पाइट दैट पहली बात तो गलत तो है क्योंकि इन स्पाइट के साथ तो ऑफ लगता ही है तो कह रहा है कि इन स्पाइट दैट ऑर्गेनाइजेशंस वर आर अवेयर ऑफ अवेयर के साथ ऑफ लगता है ये भी ध्यान रखिएगा अवेयर का मतलब किसी भी चीज की जानकारी होना किसी चीज के बारे में सजग होना उसे कहते हैं अवेयर ऑफ तो इन स्पाइट दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी तो कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सजग हैं उनको पता है किस बारे में कि आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बावजूद भी दे ऑफन डू नॉट नो हाउ टू डिप्लॉय इफेक्टिवली वो नहीं जानते हैं कि आई का उपयोग कैसे किया जाए डिप्लॉय का मतलब है, एक तो होता है तैनात करना स्टेशन करना किसी व्यक्ति को अगर आप कोई वस्तु को, को डिप्लॉय करते हैं इसका मतलब उसको यूटिलाइज कैसे करें यूज कैसे करें उस सेंस में इसका यूज करते हैं तो यहां प्रॉब्लम इस चीज को लेकर है कि दो क्लोज है दोनों कॉन्ट्रास्ट दर्शा रहे हैं एडवर्सेटिव स्टेटमेंट है इस कारण से यहां पर इंस्पाइड ना आके यहां पे आप लगाएंगे दो यद्यपि यद्यपि का सेंस ये देगा तो दो अब ये इंस्पायर्ड डेट पूरा ही हट जाएगा तो कह रहा है कि यद्यपि ऑर्गेनाइजेश्स को पता तो है कि आईटी की इंपॉर्टेंस क्या है यहां आपको लगा लीजिएगा ठीक है और फिर भी उनको अक्सर मतलब ये पता नहीं होता है कि उसे डिप्लॉय कैसे करें इफेक्टिवली तो यहां पे आपको जो आंसर आएगा वो एक नंबर आएगा इंस्पायर्ड डेट के स्थान पर दो लगेगा मैं रिपीट कर देता हूं क्यों हुआ ऐसा क्योंकि एक जो क्लोज है वो कह रहा है कि उनको पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है दूसरा क्लोज कह रहा है कि पता होने के बावजूद भी उनको ये नहीं पता है कि कैसे उसे इफेक्टिवली लागू किया जाए कैसे तो यूज किया जाए तो ऑल दो, तो दो या दो का इसीलिए इंस्पाइट दैट की आवश्यकता यहां पर नहीं है दो आना चाहिए तीसरा देखिए ऑल दे इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स तो कह रहा है रिवर्स को यद्यपि रिवर्स को इंटरलिंक करना इंटरलिंक का मतलब आपस में जोड़ देना टैकल आपको पता है कि हेल्प अपने साथ में दो तरीके की सिचुएशन में आप यूज करते हैं वर्ब को या तो हेल्प के साथ में सीधा टू प्लस वी जीरो करते हैं या फिर बेयर इन्फिनेटिव लगता है सीधा वी जीरो लगता है तो यहाँ वी जीरो का प्रयोग है और यही प्रचलन में भी है ज्यादा अगर बात करें कि अधिकतर हमने भी क्या देखा है एडिटोरियल्स पढ़ते समय तो हमने देखा है कि हेल्प के साथ में वी जीरो का प्रयोग मिलता है तो इस सिचुएशन में ठीक है तो कह रहा है कि यद्यपि जो रिवर्स को इंटरलिंक करना है वो सहायता करेगा चीज में ड्रॉट को टैकल करने में ड्रोट सूखे को बोलते हैं अकाल को बोलते हैं इसको मतलब आ, टैकल करने में फिर भी कौवा लगा हुआ है द गवर्नमेंट हैज नॉट पेड मच अटेंशन टू दिस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट की ओर ध्यान नहीं दिया है ठीक है तो यहां पे कोई गलती नहीं है नो no एरर आपका आंसर होगा राइट अब बात करेंगे आज के एडिटोरियल की जो कि एक फाइनेंशियल आर्टिकल है थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जैसे ही आप इकोनॉमी के आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो रहता है लेकिन हम इसको बहुत आसान करेंगे कंपाउंड कॉननड्रम के नाम से है कॉननड्रम जो होता है एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बोलते हैं कॉननड्रम जो वर्ड है इसका मतलब है एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम वैसे पहली को भी बोलते हैं लेकिन यहां पे इसका मतलब है या तो पजल कह सकते हो या फिर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम कह सकते हो तो इसका मतलब हुआ अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम एक थोड़ी सी मुश्किल जो समस्या होती है उसे कहते हैं कॉलेंड्रम कंपाउंड का मतलब यहां पे है कॉम्प्लेक्स है तो एक जटिल समस्या की बात ये कर रहा है वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम भी आपको देखने को मिलेगा एक्चुअल में हुआ क्या था एक्चुअल में जब आपने देखा कि लॉकडाउन लगा था सारी गतिविधियां ठप पड़ गई थी तो सरकार ने कहा था बैंक ने कहा था कि भाई जिन लोगों ने उधार ले रखा है बैंक से पैसा उनको अब छह महीने तक किस्त चुकाने की आवश्यकता नहीं है मार्च से लेकर अगस्त तक मतलब मार्च से अगस्त तक तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त छह महीने सिक्स मंथ तक किस्त चुकाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिनको जिन्होंने किस्त नहीं चुकाई है फिर उस पर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जब इन्होंने सुना कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो उन्होंने अपने किस्तों को जारी रखा चुकाते रहे वो किस्त तो फिर यहाँ पे उस बारे में है कि जिन लोगों ने लगातार किस्तें भरी थी उनको क्यों इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चुकाना पड़े या फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है ये जो उन लोगों के लिए जिन्होंने किस्त चुकाई है और जिन्होंने किस्त नहीं चुकाई है उसके बीच के अंतर का क्या किया जाए उस बारे में ये आर्टिकल आपको बताएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को जरूर से एंड तक देखा करें हर एक पॉइंट को नोट करा करें और जो भी पिछले सेशन में हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करके नए सेशन की ओर आए तभी आपको नया एक विश्वास जागेगा आपको लगेगा कुछ नया सीख रहे हैं और नया सीखने में जो खुशी है वो हो भी आप फील कर पाएंगे आइए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले टाइटल हमने पढ़ा कंपाउंड उंड्रम तो इसका मतलब मैंने बताया कि इसका मतलब है जटिल एक समस्या ठीक है, है. सेंटर तो हो गया सकते हो अफोर्ड करना यहां पे बेयर का मतलब क्या है अफोर्ड करना केंद्र सरकार की जो योजना है कि हम अफोर्ड करेंगे हम धारण करेंगे किस चीज को द डिफरेंस जो अंतर है किस, -किस के बीच डिफरेंस अपने बाद में बिटवीन लेता है किस-किस के बीच एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट एक और काम की चीज ये है कि बिटवीन के बाद जो आप लगाते हैं कंजंक्शन वो क्या लगाते हैं एंड लगाते हैं ठीक है थीके? तो केंद्र सरकार की के जो योजना है कि हम जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का उसे हम अफोर्ड कर लेंगे किस पे लगाया जा रहा है ऑन रिटेल एंड एमएसएमई रिटेल समझते हो जो फुटकर या फिर खुदरा विक्रेता होते हैं उनके लिए रिटेल का यूज करते हैं एमएसएमई क्या होता है एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज लघु ये सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग होते हैं उसे आप एमएसएमई कहते हैं मैं रिपीट कर देता हूं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन्स लोन ही आपको क्या होता है तो कह रहा है केंद्र सरकार की के जो योजना है कि हम जो डिफरेंस है आ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है जो लोन्स पे इंटरेस्ट लगाया गया है रिटेल लोन्स पे या एमएसएमई लोन्स पे वो हम लोग अफोर्ड करेंगे अवेल्ड बाय बोरोवर्स तो ये लोन्स कौन सा है ये वो लोन्स जो कि अवेल अवेल का मतलब है कि लाभ उठाना यूज करना यूटिलाइज करना आप यहां पे इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं बेनिफिट है यूज है यूटिलाइज है टेक एडवांटेज है तो वो लोन जो कि लिए गए थे काम किसके द्वारा बोरोवर्स बोरोवर्स का मतलब होता है उधार लेने वाला एक होता है लेंडर उधार देने वाला और आप देखते हैं कि कई बार जो इकोनॉमी संबंधी आर्टिकल होते हैं वहां पे लेंडर शब्द का यूज होता है तो सीधा सीधा उसका मतलब बैंक से होता है ठीक है क्योंकि बैंक उधार देता है लोन देता है तो बोरोवर्स के द्वारा जो लोन लिया गया था एमएसएमई लोन और उसके अंदर जो उनको सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट चुकाना था उनके बीच का जो अंतर है बोरोवर्स कौन से बोरोवर्स वो वाले हुज जिसका की एग्रेगेट आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया राशि एग्रेगेट का मतलब होता है कुल मिलाकर एग्रेगेट का टोटल होता है कंबाइंड होता है कंप्लीट होता है ठीक है तो जिनकी कुल मिलाकर जो बकाया राशि है, है, है है, है है। मतलब उधार, उधार तो बकाया उधार जो वो वो कितने? वो यहां पे देखो किया है, इस कारण से वर लगाया लेस लेस के साथ देन इसलिए आता है क्योंकि लेस डिग्री होती है। अब आपके प्रश्न उठ रहा होगा कि लेस की डिग्री पॉजिटिव कौन सी होती है तो लेस की डिग्री होती है फिर डिग्री बनाते हैं, लेस और फिर सुपरिटिव बनाते हैं टू करोड़ रुपीज बिटवीन मार्च फर्स्ट एंड ऑगस्ट थर्टी फर्स्ट तो ये बोरोइंग्स कब से कब के बीच की है एक मार्च से इकतीस अगस्त के बीच और जिनकी बोरोइंग्स दो करोड़ से कम है हैज कम नॉट नोट नॉट अ डे टू सून अभी नॉट अ डे टू सून का मतलब है कि काफी लेट हो गया है देरी से आया है जल्दी नहीं आया है ये एक फ्रेज के रूप में है तो सेंटर की जो स्कीम आई है वो स्कीम काफी देरी से आई है ये कहना चाहता है एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाहता है ये कह रहा है कि सेंटर की जो स्कीम है सेंटर ने कहा कि जो लोन्स उन उधार उन कर्जदारों के द्वारा लिए गए जिन्होंने लोन उठाए थे रिटेल या एमएसएमई पर है ना या तो खुदरा व्यापार किया करते थे या फिर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का हिस्सा हैं उन्होंने जो लोन्स लिए थे है ना और जिनका उधारी जो है वो दो करोड़ से कम थी और ये एक मार्च से लेकर इकतीस मार्च के बीच की बात ये कर रहा है तो सेंटर ने कहा कि इस मिस में जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके बीच का जो अंतर आएगा वो हम लोग वहन कर लेंगे ठीक है वो हम लोग वहन कर लेंगे लेकिन ये जो स्कीम सेंटर की आई है वो जल्दी नहीं आई है देरी से आई है लेखक का ये कहना है बात समझ में आ गई होगी तो यहां पे सीखने योग्य चीजें क्या थी एग्रगेट का सिनोनिम avail के सिनोनिम्स आपने सीखा बिटवीन में एंड लगता है आपने सीखा डिफरेंस अगर होगा तो बिटवीन लगेगा अमंग कभी नहीं आएगा याद रखना आपने सीखा कि नॉट अ डे सून का मतलब होता है लेट देरी से तो ये कुछ फर्स्ट स्लाइड में था आगे बात करें इन स्पेलिंग आउट स्पेल आउट का मतलब होता है समझाना देख लो यहां पे सिनोनिम्स है एक्सप्लेन है मेक क्लियर है इल्यूसिडेट है ये सब के सब क्या है समझाना दे रखा है, प्रेपजिशन। प्रेपजिशन के बाद में आपको लगाना होता है वर्ब आई में। तो ये स्पेलिंग आउट, आउट आईएनजी फॉर्म में है। तो इन स्पेलिंग मतलब लेंडर्स। लेंडर्स मतलब लीजिए आप सीधा मैंने कहा था ना कि जो उधार देता है उसे लेंडर्स कहते हैं तो बैंक मान लो तो कह रहे हैं कि जो नियम है उसको समझाते हुए उसको समझाने में किसके लिए कि भाई लेंडर्स जो बैंक है उनके लिए कुछ नियम जो है टू आइडेंटिफाई और समझाना किसके लिए है टू आइडेंटिफाई पहचान करना किसकी एलिजिबल योग्य मतलब जिसको लाभ मिलता है जो लाभार्थी हैं जिनको इस लोन का मतलब कह रहे हो जिसको ये लाभ मिलेगा इस स्कीम का सेंटर की जो स्कीम है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है जो दो करोड़ से कम जिसके उधारी है उसके लिए खास करके ये स्कीम है तो उसकी पहचान की जाए लेंडर्स के द्वारा एंड और फिर देन इंश्योर फिर सुनिश्चित किया जाए इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है। के साथ, साथ एक वर्ड और याद रखेंगे, -E, इसका भी होता है बीमा करना सुरक्षित रखना ये मतलब होता है इंश्योरेंस इंश्योर से इंश्योरेंस बनता है और फिर यह सुनिश्चित किया जाए इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अतिरिक्त ब्याज पर ब्याज है एक बात यहां पे भी सीखने योग्य है कि जब कोई दो एक जैसी नाउन हो बीच में प्रपोजिशन हो तो दोनों नाउन सिंगुलर आती हैं और अगर इनको देखकर आगे वर्ब की जरूरत पड़ जाए तो वो भी सिंगुलर ही आती है ये नाउन में आप प्रश्न पढ़ते हैं इस तरह का प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा तो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तो ब्याज पर ब्याज बी रिफंडेड वो रिफंड किया जाएगा बाय नवंबर फाइव कब तक पांच नवंबर तक द गवर्नमेंट हैज क्लियरली क्लियरली बीन स्पर्ड तो गवर्नमेंट ने एडवर्ब है स्पष्ट रूप से बीन स्पर्ड मतलब गवर्नमेंट को यहां पे स्पष्ट रूप से प्रेरणा मिली है स्पर का मतलब प्रेरित करना होता है मोटिवेट करना स्टिम्यूलेट करना एनकरेज करना अर्ज करना तो गवर्नमेंट को स्पष्ट रूप से प्रेरित हुई है किससे बाय द सुप्रीम कोर्ट एडमोनिशन एडमोनिशन का मतलब होता है फटकार डांट स्कोल्डिंग जो होती है उसे आप कह सकते हैं स्कोल्डिंग कह सकते हो रिब्यूकिंग कह सकते हो चेस्टाइजिंग कह सकते हो कास्टिगेटिंग कह सकते हो ठीक है तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है गवर्नमेंट को किसके लिए टू एक्सपेडाइट एक्सपेडाइट का मतलब है किसी भी प्रक्रिया को तेज कर देना तो यहां पे कह रहा है एक्सिलरेट हो हैसन हो स्पीड अप हो रिलीफ का मतलब जो भी राहत है टू स्मॉल बोरवर्स जो छोटे उधार लेने वाले लोग हैं जो जिन्होंने धनराशि दो करोड़ से कम ली है उसको स्मॉल बोरोवर्स इसमें कहा गया है एक बार फिर समझना इन स्पेलिंग आउट ये समझाने में कि ये क्या समझाने में नियम समझाने में किसको समझाना है बैंक्स को क्या समझाना है कि आप उन योग्य लाभार्थियों की पहचान करें इस चीज़ को समझाने में बात समझ में आ रही है एक बार फिर समझना यहां पे सब्जेक्ट तो ये है अगर मैं इसको शुरुआत से पकड़ूंगा तो इस तरह पकड़ूंगा कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की डांट जो पड़ी है उस कारण से प्रेरित हुई है स्पष्ट रूप से ठीक है ये पैसी वॉइस हो गया हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है ये क्लियरली जो है एडवर्ब है तो कह रहा है कि गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से प्रेरित रही है सुप्रीम कोर्ट की फटकार से प्रेरित किसके लिए कि वो स्मॉल बोरोवर जो छोटे उधार लेने वाले लोग जो हैं स्मॉल बोरोवर्स हैं उनको राहत प्रदान करे गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया है ये स्टेप किसके लिए आया है ये कब क्यों आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है यहाँ पर सरकार को तो सुप्री यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने समझाया किस चीज़ को द नॉर्म्स फॉर लैंडर्स वो नियम समझाए बैंक वालों को कि बैंक वाले पहचान करें लाभार्थियों की मतलब दो करोड़ से कम का लोन किसने लिया है वही लाभार्थी है यहां पे एंड देन इंश्योर और फिर ये सुनिश्चित करें द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी रिफंडेड बाय नवंबर फाइव की जो ब्याज पर ब्याज मतलब जो चक्रवर्ती ब्याज है जो कंपाउंड इंटरेस्ट है जो भी ब्याज पर ब्याज लगाया गया है एक्स्ट्रा उसको रिफंड कर दिया जाए कब कहाँ कर दिया जाए कब कर दिया जाए बाई नवंबर फाइव बाई लगा रखा है तो इसका मतलब तक है बाई जब समय से पहले लगता है तो इसका मतलब द्वारा नहीं होता है तक होता है एक बार फिर देखना कह रहा है कि इस चीज़ को समझाने में है ना इन स्पेलिंग आउट इस चीज़ की व्याख्या करने में कि नियमों को समझाने की बात है समझाना किसके लिए है लेंडर्स मतलब बैंक्स को किसके लिए कि लाभार्थियों की पहचान की जाए योग्य लाभार्थियों की पहचान और फिर यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्याज पर ब्याज जो है उसको रिफंड कर दिया जाए है ना कब कब तक पांच नवंबर तक तो ऐसा समझाने में गवर्नमेंट ने क्लियरली यहां पे प्रेरित रही है बेसने कारण बताया लेखक ने कि गवर्नमेंट ने काम क्यों किया सरकार ने योजना क्यों यहां पे लॉन्च की है क्योंकि सरकार यहां प्रेरित रही है सुप्रीम कोर्ट के डांट फटकार से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे फटकारा है गवर्नमेंट को कि वो यहाँ पे छोटे जो कर्जदार हैं उनको राहत प्रदान करे एक्सपेडाइट करे राहत को थोड़ा सा त्वरित गति दे थोड़ा तेज गति से राहत यहाँ पे प्रदान करे तो यहां सीखने को बहुत कुछ था स्पर है स्पेल आउट है एक्सपेडाइट है तीन तो वर्ड ही आपको मिल रहे हैं ठीक है ना ये ध्यान रखिएगा इंश्योर और इंश्योर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखिएगा बेनिफिशियरीज का मतलब क्या है ये जब दो नाउन एक जैसी हो बीच में प्रपोजिशन आए तो कैसा हमें यहाँ पे देखना होता है वो देख लीजिएगा दो नाउन एक जैसी हो बीच में प्रेपोजिशन आए दोनों नाउन सिंगुलर आती हैं और इनको देखकर वर्ब लगानी हो तो वो भी सिंगुलर ही आती है ध्यान रखेंगे आप इसका इससे आगे देखो टॉप कोर्ट टॉप कोर्ट का मतलब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तो इस चीज के साथ

कोई बोलते हैं तो क्या कह रहा है विद द टॉप कोर्ट हैविंग क्वांटिटली रेफरेंसड तो इस चीज के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने यहां बिल्कुल सीधा-सीधा डायरेक्टली यहां पे संकेत किया है जो नजदीक आ रहा दिवाली का त्यौहार है उसके लिए जब उसने ये कहा ये इट किसके लिए आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा द कॉमन मेंस दीपावली कि जो आम आदमी की दिवाली है कॉमन आम आदमी और उसकी दिवाली जो है इन द वो किसके हाथों में है वो गवर्नमेंट के हाथों में है तो इस चीज के साथ द सेंटर हैज एंडेड अप सेटिंग ए रियली टाइट केंद्र सरकार ने किस प्रकार से अंत किया है एंड अप का मतलब कंक्लूड किया है किसी चीज को अंत इस प्रकार से किया है तो केंद्र सरकार ने यहां पे अंत किया है सेटिंग अप कैसे करके सेट सेटिंग रियली टाइट डेडलाइन किसने बहुत ही सख्त डेडलाइन यहां पे वास्तव में एक सख्त डेडलाइन डेडलाइन नाउन है टाइट यहां पे एडजेक्टिव है रियली यहां पे एडवर्ब है और ये पोजीशन देखो आर्टिकल को देख के पता लग जाती है आर्टिकल के बाद में तीन शब्द हैं तो पहला शब्द एडवर्ब कहलाएगा दूसरा शब्द एडजेक्टिव कहलाएगा और तीसरा शब्द नाउन कहलाएगा ठीक है तो यहां पे क्या किया है केंद्र सरकार ने अंत किया है इस चीज का कि मतलब इसने एक सेट किया है क्या सेट कर दी है वास्तव में एक बहुत ही कठोर डेडलाइन दी है ऑफ लेस देन टू वीक्स और कितने डेडलाइन डेडलाइन क्या डेडलाइन का मतलब एक समय सीमा में बांध दिया है कितनी समय सीमा दी है दो सप्ताह से कम का समय दिया है किसके लिए फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसी बैंक्स को एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो एक संस्थाएं होती है कंपनीज होती हैं उसके लिए बोला गया है कि जो फाइनेंस देती हैं लेकिन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है उसे एन कहा जाता है तो बैंक्स और एनबीएफसीज़ के लिए दो सप्ताह से कम की गाइड यहाँ पे टाइम दिया है किसके लिए टू तो क्रेडिट ये होता है पैसा ऐड करना पैसा जमा करना द डिफरेंशियल अमाउंट डिफरेंशियल अमाउंट कौन सा कि जो ब्याज है और साधारण ब्याज है उसके बीच का अंतर वो है डिफरेंशियल अमाउंट ठीक है टू द बोरोवर्स किसके जमा कराने हैं जो कर्जदार है जिसने उधार लिया था जिसने लोन लिया था उसके खाते में जमा कराने का टाइम दिया है एक बार फिर समझना यहां पे कह रहा है कि इस चीज के साथ कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक संकेत दिया जो नजदीक आ रहा त्यौहार है दिवाली का उसने उसने जो तो संकेत दिया जब इसने ये कहा कि आम आदमी की दिवाली गवर्नमेंट के हाथों में है इस चीज़ के साथ ही सरकार ने यहाँ पे एक बहुत ही टाइट डेडलाइन यहाँ पे निर्धारित की है किसके दो सप्ताह से कम की डेडलाइन निर्धारित की है किसके लिए बैंक्स और एन के लिए और कहा है कि जो डिफरेंशियल अमाउंट है जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अमाउंट है वो आप जमा कराइए दो सप्ताह से कम टाइम में दिवाली से पहले पहले, पहले पाँच नवंबर तक बोरोवर्स के अकाउंट्स में जिन्होंने लोन दे रखा है उसके अकाउंट में बात समझ में आ रही है यहाँ तक बहुत ही सिंपल सा था ये स्टेटमेंट कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसके बाद अगर बात करें तो कह रहा है कि लैंडर्स लैंडर्स का मतलब बैंक हैव देर टास्क आउट अब ये हैव टास्क आउट एक फ्रेज है इसका मतलब होता है डिफिकल्टी का सामना करना बी डेल्ट विद डिफिकल्ट टास्क ये इसका इसका मतलब है ये मैंने लिख दिया यहाँ पे तो द लैंडर्स जो बैंक हैं हैव देयर टास्क कट आउट उन्होंने काफी मुश्किलें यहाँ पे झेली है टू मेक श्योर ये सुनिश्चित करने के लिए मेक श्योर sure का मतलब सुनिश्चित करना क्या सुनिश्चित करना दैट दे पिक आउट ऑल द एलिजिबल लोन्स कि वो जो है दे दे मतलब बैंक्स पिक आउट पिक आउट का मतलब चुनना पिक आउट का मतलब चूज करना सेलेक्ट करना कि वो लोग चुने लैंडर्स चुने किसको ऑल द एलिजिबल लोन्स जितने भी योग्य लोन्स एलिजिबल मतलब जो लोन देने योग्य हैं जो भी मतलब एक आ, एलिजिबल एक बोरोवर को चुन लिया उसको लोन देना है किस कैटेगरी का है तो यहाँ पे हाइफन से लेकर हाइफन तक बताया है कि लोन्स कौन से हैं एजुकेशन लोन है हाउसिंग लोन है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब क्या होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का मतलब ऐसी वस्तुएं जो कि उपभोक्ता लेकर आता है अपने घर और उसको काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकता है ड्यूरेबिलिटी उसमें रहती है जैसे कि ए है टी है या कार है या रेफ्रिजरेटर है ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है एक होता है जो ड्यूरेबल नहीं है मतलब आज हमने लिया और आज ही खत्म जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं जल्दी खत्म हो जाएंगी लेकिन ये वस्तुएं काफी लंबे समय तक चलती हैं इसलिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोला है ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियां वगैरह है बाइक है स्कूटर है कार है ये सब कंजम्पशन उपभोग संबंधी क्रेडिट कार्ड बोरोइंग्स का मतलब क्या हो गया जो क्रेडिट कार्ड से भी लोन लेते हैं पता ही आपको और एज वेल एज क्रेडिट प्रोवाइडेड टू एमएसएमईज और साथ-साथ में वो पैसा वो उधार जो कि दिया जा गया है किसको एमएसएमईज को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये सारे लोन्स की बात है एंड दैट द बरोइंग्स हैड नॉट टर्न्ड इनटू और यहां पे ये भी सुनिश्चित करना है बैंक्स को कि जो उधार दिया है वो बदल ना गया हो टर्न इनटू का मतलब बदलना टर्न में इनटू लगता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपीए वो बदलना जाए किस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट में अब समझना ये क्या चीज़ है जैसे बैंक ने लोन दे दिया अब बैंक लोन इसलिए देता है कि उसको उस पर ब्याज मिले उस पर वो मूलधन तो मिले ही मिले ब्याज भी उस पर मिले लेकिन कई बार क्या होता है कि चूंकि अब बैंक ने लोन दिया जिसको लोन दिया है उसके पास चुकाने के लिए कुछ है ही नहीं अब बैंक देखता है कि उसके पास चुकाने के लिए नहीं है और पैसा नहीं आएगा ठीक है तो इसका उसको एनपीएम रखता है कि वो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है जब पैसा वापस नहीं आए तो उसको एनपीए कहा जाता है तो कह रहा है कि जो बोरोइंगस है जो उधार है वो बदल ना जाए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में एज ऑन फेब्रवरी ट्वेंटी नाइन कब की बात है फरवरी उनतीस तक की बात है एज ऑन का मतलब पर्टिकुलरली उस डेट की आप बात कर रहे हो एक बार फिर समझना तो कह रहा है बैंक्स जो हैं उनका बड़ा मुश्किल काम है है ना बैंक्स के पास बहुत ही मुश्किल काम है यह सुनिश्चित करने का कि वो यहां पे एलिजिबल लोन्स की पहचान करे चूज करे पिक आउट करे लोन्स कौन कौन से तो लोन्स यहां से लेकर यहां तक की कैटेगरी बता रखी है यहां तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है ये तो कैटेगरी है कौन कौन से लोन्स है हाउसिंग लोन है एजुकेशन लोन है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन है ऑटोमोबाइल्स का है कंजम्पशन है क्रेडिट कार्ड बोरोइंग्स है और क्रेडिट जो कि एम को दिया गया है वो लोन्स है तो यहाँ पे बैंक्स का बहुत ही मुश्किल काम है सुनिश्चित करना की कौन से लोन मतलब एलिजिबल लोन्स को चुनना और लोन्स कैटेगरी ये है और साथ ही में ये भी देखना ये भी मतलब मुश्किल काम है बैंक का कि वो ये भी देखे कि जो बोरोइंग्स दी गई है

अब ये वि, आ, विल हैव टू दे रखा है इसका मतलब करना पड़ेगा ये ध्यान रखिएगा ये विल हैव टू जब लगता है इसका मतलब करना पड़ेगा ठीक है तो फिर बैंक्स को यहां पे रिफंड करना पड़ेगा क्या द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज फॉर द दिक्स मंथ पीरियड कि महीने का जो पीरियड था एक मार्च से लेकर इकतीस अगस्त तक का जो पीरियड था उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज किया गया वो और सिंपल इंटरेस्ट उसके बीच का जो डिफरेंस है वो रिफंड भी करना पड़ेगा ये भी बैंक का ही काम है तो बैंक के लिए मुश्किल है बहुत ज्यादा है काम बहुत कुछ करना है बैंक को तो दे आर रहा लेंडर्स के लिए देन का मतलब तब और उसके बाद तब बैंक को यहां पे रिफंड करना पड़ेगा जो भी अंतर है किस किस के बीच में तो एक तो क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट बीच में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया सेंटेंस को कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो वाला जो कि छह महीने के पीरियड के लिए चार्ज किया गया ठीक है बात वैसे यही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो सीआई और एस SI है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो यहां पर रिफंड करना पड़ेगा यह कहना चाहता है क्लियर है इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे एक फ्रेज आप नोट कर लीजिएगा हैव वन्स टास्क कट आउट का मतलब होता है मुश्किल होना बहुत ही डिफिकल्ट होना इन मेकिंग ऑल द स्पेसिफाइड बरोवर्स एलिजिबल इन मतलब में मेकिंग बनाना तो बनाने में ये प्रीपोजिशन है तो आईएनजी लग गया ऑल द स्पेसिफाइड बरोवर्स स्पेसिफाइड का मतलब पर्टिकुलर कह सकते हो विशेष कह सकते हो बरोवर्स जो भी कर्जदार हैं लोन लेने वाले हैं एलिजिबल के साथ फॉर लगता है किसके लिए योग्य हैं

जितने भी स्पेसिफाइड बोरोस हैं उनको इस एक्सग्रेशिया बनाना मतलब है, उनको ये जो लाभ है इस स्कीम का वो लाभ मिल जाए इस योग्य बनाने में द गवर्नमेंट है सोट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है यहां पे सीक फर्स्ट फॉर्म होती है शोट सेकेंड फॉर्म होती है और शॉर्ट ही थर्ड फॉर्म होती है तो इस प्रकार से यहां पे गवर्नमेंट ने चाह है टू इंश्योर सुनिश्चित करना इक्विटी इक्विटी का मतलब है यहां पे फेयरनेस बिल्कुल जो मतलब आप कह सकते हो बराबरी कह सकते हो निष्पक्षता कह सकते हो कोई भेदभाव ना हो उसे इक्विटी कहा गया है तो यहां पे सुनिश्चित किया है क्या कि भेदभाव नहीं होना चाहिए समानता रहनी चाहिए किस किस के बीच में बिटवीन दो के बीच दो कैटेगरी है एक तो वो लोग हैं दोज हु एक बात ध्यान रखना हु से पहले कभी भी आप दे और देम नहीं देखेंगे दोज ही मिलेगा अगर आगे आगे। दे दे रखी रखी हो तो ये दे आगे। उन लोगों के लिए हु मे अवेल का लाभ उठाना होता है अवेल का यूटिलाइज करना यूज करना पहले स्लाइड में हमने देखा था तो वो लोग जिन्होंने शायद मे दे रखा है तो संभावना बताता है मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऐसा हुआ होगा तो जिन लोगों ने शायद यूज किया हो रीपेमेंट मोराटोरियम मोराटोरियम सस्पेंशन कह सकते हो एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई गतिविधि रुक जाती है उसे कहते हैं मोराटोरियम प्रोहिबिशन को भी बोलते हैं बैन को भी बोलते हैं एम्बार्गो को भी बोलते हैं तो यहां रीपेमेंट मोराटोरियम जो एक मार्च से लेकर 31 अगस्त तक का समय दिया था जिसमें बैंक ने कहा था कि आप चाहें तो पैसा ना जमा कराएं तो वो जो छह महीने का पीरियड था जो आपकी किस्तें लगातार जा रही थी और फिर किस्तों को आपने रोक लिया था उसे कहा गया है मोराटोरियम रीपेमेंट मोराटोरियम ठीक है तो कह रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे चाहा है सुनिश्चित करना कि भाई यहाँ पे निष्पक्षता बनी रहे कोई भी भेदभाव ना हो दो लोग हैं एक तो वो लोग हैं जिन्होंने शायद यहाँ पे लाभ उठाया हो रिपेमेंट मोरिटोरियम का मतलब है उन्होंने छह महीने किस्त जमा नहीं करवाई हो दूसरी तरफ वो लोग हैं अदर्स अन्य लोग हैं हु हैड ऑप्टेड जिन्होंने विकल्प चुना था ऑप्ट किया मतलब विकल्प चुना था किस चीज का टू कंटिन्यू टू सर्विस देयर बोरोइंग्स कि वो लगातार अपनी जो बोरोइंग्स है अपने जो उधार है वो चुका रहे थे है ना इन दोनों के बीच की बात कर रहा है एक बार फिर समझना ये चीज जो बनाने में मतलब जितने भी स्पेसिफाइड बोरोवर्स हैं स्पेसिफाइड बोरोवर्स का मतलब है विशेष बोरोवर्स विशेष कौन से जिनका दो करोड़ से कम का बकाया है उसकी बात कर रहे हैं तो ये जो जो स्पेसिफाइड हैं उन सभी को इस फेवर की फेवर के योग्य बनाना सरकार कर रही है जो सरकार की स्कीम के अधीन आ रहे हैं लाभार्थी हैं बेनिफिशियरीज हैं तो उस स्कीम के तहत लेकर आना सभी स्पेसिफाइड बोरोवर्स को गवर्नमेंट ने क्या चाह है गवर्नमेंट ने सुनिश्चित करना चाहा है कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए उन लोगों के बीच जिन्होंने यहां पे छह महीने तक किस्तें नहीं चुकाई है या फिर वो लोग जिन्होंने किस्तें चुकाई है उन दोनों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए ये चाहा है गवर्नमेंट ने ठीक है तो मोराटोरियम का मीनिंग आप नोट करेंगे ये होता है कोई ऐसा समय जिसके अंदर कोई भी गतिविधि नहीं होती है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी होता है उस टाइम टाइम को, को बोलते हैं मोराटोरियम आगे देखिए द मूव ये जो कदम है सरकार का जो कदम है हाव हालांकि हैज अंडरस्टैंडेबली अंडरस्टैंडेबली का मतलब होता है समझ में आती है ये बात है ना इवोक्ट इवोक का मतलब है कि प्रेरित करना आप देख सकते हैं सिनोनिम इसके इनवोक है ब्रिंग टू माइंड ब्रिंग फॉर द गिव राइज टू गिव राइज ज्यादा समझ में आएगा आपको ट्रिगर भी कह सकते हैं इसको आप तो ये जो कदम है सरकार का इसने समझ में आती है ये बात कि हालांकि इसने प्रेरित किया है क्या Both and some despite, दोनों चीजें हुई है ना सरकार जो कर रही है सरकार यह भी चाह रही है कि इसमें इस जिन्होंने छह महीने तक किस जमा नहीं कराई है जमा कराई है उन दोनों के बीच में भेदभाव ना रहे यह जो तो चाह रही है गवर्नमेंट इसने समझ में आती दोनों तरीके की चीजें यहां पर प्रेरित की है दोनों चीजें जागृत की है एक तो रिलीफ भी इससे आया है तो डिस्क्वाइट भी आया है राहत भी मिली है तो बेचैनी भी यहां पे आई है रिटेल बोरोवर्स ये हो गए खुदरा जो भी खुदरा व्यापारी हैं जिन्होंने मतलब उधार लिया था खुदरा का काम करते थे है ना वो व्यापारी जो हैं स्पेशली विशेष करके ये होता पर्टिकुलरली दोज हु जिन्होंने की कंटिन्यू टू मीट एम आई कमिटमेंट्स जिन्होंने लगातार क्या किया मीट का मतलब फुलफिल करना बराबर करना देयर ई एम आई कमिटमेंट ई एम आई कमिटमेंट कमिटमेंट का प्रतिबद्धता होती है कमिटमेंट का प्रोमिस होता है नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद डेस्पाइट लिख लीजिएगा नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है के बावजूद डिस्पाइट डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टरबेंस व्यवधान डिस्टरबेंस व्यवधान को बोलते हैं तो कह रहा है कि रिटेल बोरोवर्स वो रिटेल बोरोवर्स वो खुदरा मतलब लोन लेने वाले लोग जिन्होंने विशेष करके वो लोग जिन्होंने अपनी ईएमआई को कंटिन्यू भरा है किस लिए ताकि उनका जो भी कमिटमेंट था कि वो लगातार किस्तें जमा कराएंगे उसको पूरा करने के लिए ठीक है और वो भी किसके बावजूद कि यहाँ पे देखो व्यवधान आ गया था और व्यवधान किसके कारण आया था पैंडेमिक और लॉकडाउन के कारण वैश्विक महामारी और वैश्विक महामारी के बाद जो लॉकडाउन लगाया गया उसके कारण जो व्यवधान था उस व्यवधान के बावजूद भी इन्होंने अपनी किस्तें जमा करानी चाहिए स्टैंड टू स्टैंड टू का मतलब होता है कि वो इस स्थिति में है बी इन अ पोजिशन वो इस स्थिति में है वो तैयार है मार्जिनली बेनिफिट मार्जिनली आंशिक रूप से बेनिफिट लाभ उठाना फ्रॉम द गवर्मेंट पेमेंट किससे गवर्नमेंट के भुगतान करने से एंड विल बी अ रिलीव्ड लॉट और वो लॉट का मतलब यहां पे ग्रुप है और ये वो ऐसा तबका होगा जिसको मतलब रिलीफ मिलेगा रिलीव्ड मतलब रिलीफ मिलेगा ठीक है एक बार फिर समझना तो कह रहे रिटेल बोरोवर जो हैं ये कौन से हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ई को लगातार भरना जारी रखा था किसके बावजूद पेंडेमिक और लॉकडाउन मतलब उन्होंने छह महीने किस्तें नहीं जमा कराई वो कैटेगरी नहीं है ये वो कैटेगरी है जिन्होंने छह महीने तक किस्तें जमा कराई थी ठीक है किसके बावजूद पेंडेमिक आया लॉकडाउन आया उसके बाद में व्यवधान भी आया उनका काम धंधा नहीं भी चला उसके बावजूद उन्होंने किस्तें तो जमा कराई वो लोग आंशिक रूप से यहाँ बेनिफिट में है बेनिफिट किसका मिलेगा इनको बेनिफिट मिलेगा जो गवर्नमेंट यहाँ पेमेंट करेगी उससे और ये वो तबका होगा जो कि रिलीव्ड होगा वो मतलब यहाँ पे इनको राहत मिलेगी है है ना ये ये वो वो तबका तबका का मतलब ग्रुप से होगा जिसे राहत राहत मिलेगी पे पे थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा जिन्होंने पैसा जमा करवाया था इससे आगे देखो ऑन हैंड दूसरी ओर ये हो गया दूसरी ओर ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर संभावना के लिए आता है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो सकता है तो वो हो सकता है कि वो तो आ गया स्मॉल बोरोवर्स के लिए वो तो आ गया रिटेल बोरोवर्स अब बात करें एम एस एम की दूसरी तरफ अगर एम की बात करें तो हो सकता है कि उनको ये जो सहयोग कर रही है द असिस्टेंस सहयोग सहयोग कौन सा जो सरकार कर रही है ये सहयोग जो है वो उनको ऐसा लगे कि बहुत कम सहयोग है टू मेक अ मटीरियल डिफरेंस जिससे कि बहुत बड़ा अंतर पैदा हो मटीरियल डिफरेंस का मतलब बड़ा अंतर कह सकते हो योनिंग गैप कह सकते हो तो ये इतना बड़ा अंतर लेकर आ जाए ऐसा लगता नहीं है इनको गीवन द स्केल गीवन का मतलब देखते हुए गीवन का मतलब यह कंसिडरिंग है क्या देखते हुए द स्केल ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप हार्डशिप

दूसरी तरफ एमएसएमई को ये जो सहयोग है सरकार का ये ऐसा लग सकता है कि बहुत ही कम सहयोग है क्योंकि इससे बड़ा अंतर पैदा नहीं होगा क्यों क्योंकि आर्थिक कठिनाई का अगर आप स्केल देखो आर्थिक कठिनाई तो बहुत बड़ी है है ना जो कि उनको यहां पे सहन करनी पड़ी है है ना किनको एमएसएम को एमएसएमए के लिए दे है फ्रॉम डिमांड डिस्ट्रक्शन अब लेखक ने बताया है हाइफन लगा के कि कठिनाइयां कौन कौन सी है तो यहां से यहां तक तो यहां देखो डिमांड डिस्ट्रक्शन इनकी जो मांग है वो तो नष्ट हो गई डिस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रॉय होने प्रोसेस है डिस्ट्रक्ट है ना तो यहां पे डिमांड तो खत्म हो गई मांग जो है वो खत्म हो गई बाजार में दूसरा टू मटेरियल एंड लेबर शोर्टेज एंड रेगुलेटरी वॉज वहां से यहां से डिमांड तो खत्म हो गई यहां से लेकर यहां तक फ्रॉम के साथ टू लगा है मटेरियल मतलब जो भी वस्तु चाहिए कच्चा सामान चाहिए लेबर मतलब मजदूर शॉर्टेज कमी एंड रेगुलेटरी नियम संबंधी का का मतलब मतलब सफरिंग होता है कष्ट मतलब होते हैं ठीक है यहां पे ये भी है वोज का मतलब सफरिंग है डिफिकल्टी है हार्डशिप है सफरिंग आ, सोरो है ये सब कष्ट को दुखों को बोलते हैं तो कह रहा है कि भाई दूसरी तरफ एमएसएम को लग सकता है हो सकता है कि ये इस असिस्टेंस को सरकार के द्वारा किए गए सहयोग को बहुत ही कम इसको लगे सहयोग छोटा सा सहयोग नजर आए किस चीज के क्योंकि इस सहयोग से बहुत बड़ा अंतर पैदा होने वाला नहीं है किस चीज को देखते हुए क्योंकि आर्थिक कठिनाई बहुत बड़ी है क्योंकि आर्थिक कठिनाई बहुत बड़ी इनको झेलनी पड़ी है इंडोर का मतलब सहन करना है टोलरेट करना है यहां पे लिख सकते हो आप टोलरेट करना सहन करना यहां आप पुट अप विद भी कर सकते हो इसको आप पुट अप विद भी कर सकते हो तो ये बहुत ही मतलब बड़ी कठिनाई इनको सहन करनी पड़ी है कठिनाई कौन सी है इनको मांग जो डिस्ट्रॉय हो गई है वो सहन करना पड़ा है साथ ही मटेरियल और लेबर की कमी यहाँ पे सहन करनी पड़ी है और यहाँ पे रेगुलेटरी भी मतलब जो नियम संबंधी कुछ दुख है इनके वो भी इनको सहन करने पड़े हैं अब कह रहे गिवन दैट these businesses provide substantial direct substantial का मतलब होता है बहुत बड़ा इसके लिए सिनोनिम्स आप नोट करना काफी बढ़िया यूज किया जाता है एक तो कर सकते हैं कंसीडेरेबल इसका मतलब हो सकता है कंसीडेरेबल एक हो सकता है इसका सिग्निफिकेंट बड़े के लिए यूज करते हैं सिग्निफिकेंट या कंसीडेरेबल तो कह रहा है कि गिवन दैट इसको देखते हुए किसको देखते हुए दीज बिजनेसेस ये जो व्यवसाय हैं है ना ये MSM's की बात कर रहे है। provide, वो वो करते हैं, बहुत ही मतलब बड़े स्तर पर direct and indirect employment, चाहे प्रत्यक्ष रूप रूप से से या अप्रत्यक्ष रोजगार देते हैं एंड ऑल्सो जनरेट वैल्यूएल टैक्स रेवेन्यू और साथ ही बहुमूल्य जो टैक्स रेवेन्यू है टैक्स से भी मतलब ये आय यहाँ पे प्रदान करते हैं जनरेट का मतलब उत्पन्न करना प्रोवाइड करना प्रोड्यूस करना इट वुड ग्रेटर इकोनॉमिक सेंस इट वुड हैव मेड वुड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस हो गया इमेजिनरी सेंटेंस हो गया कि ऐसा हो गया होता तो ये कह रहा है कि इट वुड far ग्रेटर इकोनॉमिक सेंस तो इसका बहुत व्यापक आर्थिक महत्व होता फॉर द गवर्नमेंट सरकार के लिए टू हैव कैटेगराइज दैम सेपरेटली कि यदि सरकार ने इन्हें सेपरेट तरीके से कैटेगराइज किया होता मीन्स जो जिन्होंने छः महीने लोन चुकाया जिन्होंने छः महीने लोन नहीं चुकाया उनको कैटेगराइज किया होता एम एस एम ईज को रिटेल बोरोवर्स को कैटेगराइज किया होता तब ज्यादा फायदेमंद होता मतलब इसको कैटेगरी में बांट बांटा गया होता तो कह रहा है गिवन दैट इस चीज़ को देखते हुए कि ये जो बिजनेसेज हैं ये जो एम एस एम ईज हैं ये बहुत बड़े स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं और साथ ही यहां पे वैल्यूबल टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं ठीक है इनसे टैक्स रेवेन्यू भी काफी ज्यादा होता है तो ये ज्यादा समझदारी होती ये ज्यादा मतलब आर्थिक एक समझदारी वाला कदम होता सरकार के लिए कि सरकार ने उन्हें सेपरेटली यहां पे कैटेगराइज किया होता सेपरेट तरीके से कैटेगरी बनाई होती द एडिशनल फिजिकल इंपैक्ट एडिशनल का अतिरिक्त फिजिकल का वित्तीय इंपैक्ट का मतलब प्रभाव शुड बी सीन इसको देखा जाना चाहिए शुड बी सीन पैसी वोइ है अगेंस्ट द बेनिफिट किसके बेसिस पर देखा जाना चाहिए अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध नहीं है यह है इसके बेसिस पर बेनिफिट के स्तर पर बेनिफिट के बेस पर वुड अक्रू अक्रू जो बेनिफिट यहां पे का मतलब होता हो गया कि आप संचय करते हैं अक्रू का संचय करना यहां पे प्राप्त करना ऑप्टेन करना भी कह सकते हो तो एडिशनल फिजिकल जो इंपैक्ट है अतिरिक्त जो वित्तीय लाभ है वित्तीय जो प्रभाव है उसको देखा जाना चाहिए उस बेनिफिट के तर्ज पर जो बेनिफिट यहां पे मिलता अब पे कंडीशनल सेंटेंस है। वर इवन रीजनेबल नंबर ऑफ दीज एंटरप्राइजेस वर से स्टार्ट है तो ये इनवर्जन कह सकते हो यहां पे इफ भी मिल सकता था आपको इफ नहीं होता है तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो ये वर को बाहर निकाल दिया वर इवन अ रीजनेबल नंबर ऑफ दीज एंटरप्राइजेस काश इवन मतलब भी अजनेबल एक उचित नंबर संख्या दीज इन एंटरप्राइजेस उद्योगों की टू रिमेन वाइबल वाइबल का मतलब फिजिबल व्यवहारिक होना फिजिबल को बोलते हैं वाइबल एंड रिज्यूम और मतलब शुरुआत करते फिर से शुरू करते देयर कॉन्ट्रीब्यूशन अपना योगदान किस चीज में नेशनल इकोनॉमी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक बार फिर समझना तो अतिरिक्त वित्तीय जो प्रभाव है उसको आप देखते किस स्तर पर उस बेनिफिट के स्तर पर जो बेनिफिट इनको मिलता लाभ मिलता उस स्तर पर देखा जाना चाहिए था अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव को काश यदि क्या होता यदि एक उचित संख्या में जो ये इतने उद्योग धंधे हैं जो एंटरप्राइजेज हैं वो मतलब यहां पे वाइबल बने रहते और वो फिर से अपना कंट्रीब्यूट कर पाते नेशनल इकोनॉमी में तो इस स्तर पे देखना चाहिए था यहां से पढ़ेंगे ज्यादा समझ में आएगा यदि एक रीजनेबल नंबर ऑफ जो एंटरप्राइजेस हैं एक अ, मतलब अच्छी खासी संख्या में जो ये उद्योग हैं एम एस एम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं यदि वो बने रहते यहाँ पे मतलब वो चलते रहते और वो अपना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते तो फिर अतिरिक्त जो वित्तीय प्रभाव है उसको आप देखते उस बेनिफिट के रूप में जो बेनिफिट यहाँ पे मिलता ठीक है मतलब इसके चलने से अधिक लाभ था कहने का मतलब ये है ऑल्सो साथ ही द टू करोड़ लिमिट फॉर रिटेल लोन्स जो दो करोड़ की लिमिट है किसके लिए रिटेल लोन के लिए प्रोवाइड्स तो ये दो करोड़ की जो लिमिट है जो प्रदान करती है सकर मतलब हेल्प एड सहायता इसका मतलब है हेल्प या एड सहायता किसको टू नॉट जस्ट वनरेबल वोरोवर्स वनरेबल का मतलब कमजोर बोरोवर्स का मतलब उधार लेने वाले किसके लिए ना केवल वलनरेबल बोरोवर्स के लिए ये वो बोरोवर्स हो गए जिनको अगर साथ नहीं मिलेगा तो ये फिर बिखर जाएंगे ये बोरोवर्स पैसा नहीं चुका पाएंगे ये वो वलनेब हैं है तो साथ ही जो दो करोड़ का लोन है दो करोड़ की जो लिमिट है रिटेल लोन्स की वो सहायता प्रदान करता है ना केवल वलनरेबल बोरोवर्स को बट क्रिएट्स अ मॉरल हेजार्ड बल्कि ये एक मॉरल हेजार्ड भी पैदा करता है मॉरल हेजार्ड का मतलब क्या है कि जब आपको पता लग जाए कि आपको कोई सहयोग के लिए साथ खड़ा है तो आप बड़ी रिस्क उठा पाते हैं उसे कहते हैं मॉरल हेजार्ड ठीक है hazard, तो यहां पे ये कह रहा है कि ये मॉरल हेजार्ड भी पैदा करता है बाई बेनिफिटिंग लाभ लाभ देकर किसको द वेल ही टू वेल का मतलब होता है जो प्रोस्परस है जो वेल्दी है जो रिच है वेल well हिल्ड का मतलब जो वेल्दी है जो रिच है उसको बोलते हैं ठीक है थीके? तो ये कह रहा है कि उनको भी जो अमीर है तो कह रहा है कि दो करोड़ की जो राशि है वो ना केवल वल्नरेबल बोरोवर्स के लिए है बल्कि अमीरों के लिए भी है ये दो करोड़ की के धनराशि केवल उनके लिए नहीं है जिनके पास कुछ चुकाने के लिए कुछ है ही नहीं उनको सपोर्ट की जरूरत है बल्कि ये उनके लिए भी है जो अमीर लोग हैं और इस प्रकार से मॉरल हेजार्ड का एक खतरा पैदा होता है मॉरल हेजार्ड का मतलब हो गया कि वो अमीरों को अगर मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे अमीर लोग और ज्यादा मतलब क्या रिस्क उठा पाएंगे है ना? इस प्रकार के मोरल हिजाड बोलते हैं ऑल आईज विल नाउ बी ऑन सभी आंखें सभी निगाहें विल नाउ बी वो होंगी किस पर कोर्ट पर सभी नजरें होंगी कोर्ट पर वैन इट रिज्यूम्स हियरिंग जब कोर्ट यहां पे सुनवाई शुरू करेगा द मैटर तो इस मैटर की सुनवाई शुरू करेगा नेक्स्ट मंथ अगले महीने इस बात पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अब कोर्ट क्या कहता है उस पर सब कुछ डिपेंड है तो सबके सब, सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कोर्ट के हियरिंग को लेकर ठीक है तो यह था आज का एडिटोरियल अब बात करते हैं रिवीजन की वेल हील्ड अभी बताया मैंने रिच होता है तो पहले को जोड़ देंगे आप सी से वाइबल जो शब्द है इसका मतलब फिजिबल है तो इसको जोड़ दीजिए ए से फिर सब्सटेंशियल है सब्सटेंशियल का मतलब अच्छा खासा बड़ी मात्रा में तो ई हो जाएगा इससे और हार्डशिप का कठिनाई होता है डिस्ट्रेस है सफरिंग है ट्रबल है डिफिकल्टी है तो बी से और इक्विटी का मतलब फेयरनेस है जस्ट को बोल सकते सकते हैं हैं तो ये डी से इसको आप ले सकते हैं। और अब बात करें ट्रांसलेशन की तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा चाहे मौसम साफ हो ये चाहे का मीनिंग देता है तो ईवन दो या इवन इफ यूज करना है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल ये तो आपका सीधा फ्यूचर सिंपल हो गया चाहे मौसम साफ हो तो इफ द इवन इफ द वेदर इज फाइन इवन इफ या इवन दो भी लगा सकते थे ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है वह स्कूल जाएगा चाहे वर्षा हो तो ही विल गो टू तो स्कूल ये सिंपल फ्यूचर है चाहे तो इवन दो इट इटरेन्स चाहे इवन इफ कर देते हैं इसको इवन इफ इट इट्रेंस या इवन दो इट इटरेन्स वह नहीं आएगा चाहे तुम तो उसे बुलाओ तो ही विल नॉट कम इवन दो यू कॉल हिम ठीक है ये भी आपका फ्यूचर सिंपल हो गया वह नहीं आएगा चाहे आप उसे बुलाओ तो एक तरफ फ्यूचर सिंपल है एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है इवन दो या इवन इफ का प्रयोग है प्रिपेशन की बात करें तो देर इज नो क्योर फॉर दिस डिजीज यहाँ पे फोर आएगा ऑफ नहीं आएगा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है फोर का प्रयोग करेंगे ऑफ नहीं लगाएंगे हर लॉन्गिंग फोर लॉन्ग के साथ फोर लगता है लॉन्ग का मतलब यहाँ पे चाहत है इच्छा है तो उसकी जो लॉन्गिंग है वेल्थ के लिए धन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है हर फ्रेंड इज एफ्लिक्टेड विद कैंसर यहां विद लगेगा एफ्लिक्टेड में विद लगता है कि उसकी जो फ्रेंड है वो कैंसर से पीड़ित है सफर्ड है ये एफ्लिक्टेड विद का मतलब है तो ये था आज का एडिटोरियल अब शाम को पांच बजे मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू वेरी मच